हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने त्रिभुज चैप्टर में समरूपता स्टार्ट किया था, समरूपता के बारे में देखा था। तो समरूपता क्या होता है कि दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो दो आकृतियां समरूप होती हैं, यानी समरूपता के लिए क्या कंडीशन हमको मिला था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने जब त्रिभुज के बारे में समरूपता अभी नहीं पढ़ा है, त्रिभुज की समरूपता से पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि त्रिभुज की समरूपता के लिए आप ये लगाएंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं। तो ये दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन थेल्स ने यह बताया कि अगर किसी दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ संगत कोण देखना है, तो संगत कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती ही होती हैं। तो थेल्स ने यह बताया था और हम लोगों ने यह देखा था, थेल्स ने इस प्रमेय को किसके हेल्प से बताया था, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। उस तो थेल्स प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था और थेल्स प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन किया था। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है एक बार देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पे डी और ई पे कट कर रही है। तो अगर आपने क्या किया, जो डी ई है आपने बी सी के समांतर अगर खींचा है, यानी डी ई बी सी के समांतर है, तो अगर ये समांतर है इस भुजा के तो ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। यानी जो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC ये होगा थेल्स प्रमेय। ये कहता है जब हम लोग AD लिखते हैं तो ये रेखाखंड AD की लंबाई होती है, DB लिखते हैं तो ये रेखाखंड DB की लंबाई, इसका मतलब यही होता है पूरी ज्योमेट्री में। AE लिखते हैं मतलब AE जो ये रेखाखंड A से E तक है इसकी लंबाई। तो ये थेल्स प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर आपने रेखाखंड खींचा तो ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है और इसी का विलोम होता है, इसी का विलोम होता है कि अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी है, यानी कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को कट करने वाली एक रेखाखंड है जो दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी जो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC है, तो ये डिफिनेट हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। हम लोग देखते हैं कि DE समांतर BC होगा। ये 6.1 प्रमेय था और ये प्रमेय 6.2 था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, या कोई ऐसी रेखा है जो दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये प्रमेय 6.1 और 6.2 था। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि जब दो त्रिभुज की समरूपता की बात अब करी जाएगी, हम लोग करेंगे तो दो त्रिभुजों की समरूपता में हम लोग ये देखेंगे कि थेल्स ने ये बताया था कि दो त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये थ्योरम इसकी हेल्प से बताया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो जब हम लोग त्रिभुजों की समरूपता को देखेंगे तो दोनों कंडीशन नहीं देखेंगे कि संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती भी होनी चाहिए, केवल हम संगत कोण बराबर देख लेंगे तो संगत भुजाएं तो अपने आप समानुपाती होगी। तो हम लोग पहले ये प्रमेय प्रूव करते हैं।
तो प्रमेय का जो मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं क्या है। प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज डीईएफ है, डीईएफ, और मान लेते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, यानी दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं। ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, सी के संगत एफ है, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं कि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो निश्चित रूप से तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ ये होगा। ये हम लोग थ्योरम के रूप में अभी प्रूव करेंगे यही चीज़ कि दो त्रिभुज में अगर उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजाएं उनकी समानुपाती होती ही होती हैं। तो हम लोग लिखते हैं ये 6.3 है आपका थ्योरम। ये कहता है कि यदि यदि दो त्रिभुजों में उनके उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोगों ने ये समरूपता की कंडीशन में ये देखा था कि दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो त्रिभुज के लिए भी यही रूल लागू होगा कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो प्रमेय 6.3 हम लोग क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, यानी दो त्रिभुज आपके ऐसे हैं कि उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना आवश्यक है इस प्रमेय से, तो वो हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको प्रूव करेंगे। हम लोग पहले थ्योरम को देखते हैं, इसमें हमको क्या पता है और क्या सिद्ध करना है। इसमें क्या पता है, ये दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, यानी ये कह रहा है कि दो त्रिभुज आप ऐसे ले सकते हैं कि जिनके संगत कोण बराबर हों, ये आपको दिया है।
मैंने बताया था कि किसी भी थ्योरम में दो पार्ट होते हैं, एक कहता है कि अगर ऐसा हो और दूसरा पार्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो जो ऐसा है वो लेके चलना रहता है और जो ऐसा होगा वो हमको सिद्ध करना रहता है। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो क्या है स्टार्ट करेंगे इसमें, जो हमको पता है दिया है, दो त्रिभुज आप ले सकते हैं जो दिया है आपको, हम लोगों ने दो त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दिया है, और त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर हैं, ये दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं। यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, ए को डी के संगत मान लेते हैं, बी को ई के संगत मान लेते हैं और सी को एफ के संगत मान लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डी सॉरी डी ई एफ में कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है। ये आपको दिया है, पता है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में उनके संगत कोण बराबर हैं, ये आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं का मतलब ए के संगत कौन है, डी है, ए के संगत डी है, बी के संगत क्या है ई है, और सी के संगत क्या है एफ है। तो जो ए बी भुजा के संगत भुजा क्या होगी, डी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, मतलब कि ए बी अपान डी, यहाँ पे जो ए बी है उसके संगत क्या है, डी है, इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये बी सी के संगत क्या है, ई एफ, बी सी अपान ई एफ, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोगों को पूरा पूरा क्लियर है कि हमको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। यानी हमको दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में ए कोण डी के बराबर है, बी कोण ई के बराबर है, सी कोण एफ के बराबर है, और हमको सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ में। अब ये दोनों ट्रायंगल है तो एक छोटा एक बड़ा होगा, अगर मान लेते हैं कि डी ई एफ ट्रायंगल ही बड़ा है, ठीक। तो जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ के बराबर लेंथ, यहां से हम लोग ए बी लेंथ के बराबर ये ले लेते हैं और ए सी लेंथ के बराबर इस पे कट कर लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। मैं इसका नाम जो है वही लिखता हूँ जो आपकी बुक में लिखा है, पी क्यू, ये पी क्यू, क्योंकि आप बुक से बाद में पढ़ें तो कन्फ्यूजन ना हो, तो वही रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप क्या किया कि जो डी पी है वो ए बी लेंथ के बराबर ले लिया और डी क्यू जो है हमने ए सी लेंथ के बराबर ले लिया। फिर क्या किया, पी तथा क्यू को मिलाया। यानी जितना लेंथ ए बी था, ये ए बी छोटा है अगर, तो ए बी के बराबर लेंथ को क्या किया, डी पी कर दिया, और जो ए सी छोटा है तो ए सी के बराबर लेंथ इस पे। तो एक एक बड़ी सी लाइन है और एक छोटी सी रेखाखंड है, तो इस लेंथ के बराबर इस पे तो आप काट ही सकते हैं ना। तो वही किया हम लोगों ने, ए बी लेंथ के बराबर इस पे ले लिया और ए सी लेंथ के बराबर फिर दोनों को मिला दिया। तो ए बी बराबर डी पी और डी क्यू बराबर ए सी हम लोगों ने लिया, पी तथा क्यू को मिलाया। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं कि ये कोण ए और कोण डी तो बराबर है, कोण ए बराबर क्या है कोण डी, और क्या है ए बी बराबर डी पी, आपने खींचा ही है ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ये है ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल डी पी क्यू में। ये कोण इस कोण के बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर। तो हम लोग समरूपता की एक सर्वांगसमता की एक कंडीशन होती है कि दो त्रिभुज आपके ऐसे हों कि ये दोनों साइड बराबर हों। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी, ये एंगल थीटा, एक त्रिभुज ये है, फिर दूसरा त्रिभुज भी ऐसे है कि ये ए है, ये बी है और ये थीटा है। यानी इन दोनों त्रिभुज में हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये साइड लेंथ ए है और ये साइड लेंथ बी है और इनके बीच का कोण क्या है थीटा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसको बोला जाता है साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी। तो ए बी सी और डी पी क्यू क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि ए बी लेंथ इसके बराबर डी पी के और ए सी डी क्यू के और ये एंगल बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रेंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसमता का ये चिन्ह होता है, सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी से, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों त्रिभुज एक ही हो जाते हैं, सारे जो पार्ट होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ से अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू है तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि कोण बी कोण पी के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर क्या होगा कोण क्यू, ये होगा संगत भाग हैं, ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, कोण बी बराबर कोण पी कोण सी बराबर कोण क्यू। अब हम लोग ये देखें कि कोण बी कोण ई के बराबर था, कोण बी क्या था कोण ई के बराबर था ये, और कोण सी क्या था कोण एफ के बराबर था, ये हमको क्या है ये दिया है। अब अगर कोण बी कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है तो कोण पी और कोण ई क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से क्या आ गया, कोण पी इक्वल टू कोण ई और यहां से कोण क्यू इक्वल टू कोण एफ, ये हमको पता चल गया कि जो कोण पी होगा वही कोण पी होगा वही कोण ई है, यानी ये एंगल ये डबल वाला हो गया और ये एंगल ये ट्रिपल वाला हो गया, हमको ये पता चल गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि दो रेखाएं हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, पी क्यू और ई एफ, पी क्यू और ई एफ को एक जो है त्रियक रेखा काटती है, त्रियक रेखा ये क्या है त्रियक रेखा काटती है, इस हिसाब से काटती है कि ये कोण बराबर है। तो ये देखिए अगर दो रेखाएं हैं और इनको कोई त्रियक रेखा ऐसे कट करती है और ये कोण थीटा है और ये भी कोण अगर थीटा रहता है, यानी ये कोण और ये कोण यहाँ पे देखिए बराबर है, तो क्या हो जाता है ये दोनों रेखाएं जो होंगी ये समांतर होती हैं। ये हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा इस प्रकार काटती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो पी क्यू और ई एफ दो रेखाएं हैं जिनको ये रेखा कट कर रही है और ये कोण कोण पी कोण ई बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पी क्यू समांतर ई एफ।
हम लोग क्या कहेंगे कि पी क्यू समांतर ई एफ, ये हम लोगों ने क्यों कहा पी क्यू समांतर ई एफ, क्योंकि पी क्यू तथा ई एफ को, पी क्यू तथा ई एफ को तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि संगत कोण बराबर है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि PQ समांतर EF, यानी ट्रेंगिल DEF में आपका क्या है PQ समांतर EF, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में ये PQ क्या है EF के समांतर है, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती होगी। यानी अगर PQ समांतर EF है, यानी ट्रेंगिल DEF, ट्रेंगिल DEF में पी क्यू समांतर ई एफ, अतः हम लोग क्या कहेंगे कि जो डी पी अपान पी होगा वो क्या होगा डी क्यू अपान क्यू एफ के बराबर होगा। कहाँ से हम लोगों ने कहा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई तो ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। अगर आप ये कहते हैं कि पी क्यू ई एफ के समांतर है तो ये जिस अनुपात में विभाजित करी होगी वो अनुपात भी बराबर होगा, यानी डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, दोनों साइड में एक जोड़ देते हैं, यानी डी पी अपान पी प्लस वन इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ प्लस वन, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अगर आप जानते हैं कि ये और ये बराबर हैं तो आप उन दोनों पक्षों में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किसी से डिवाइड करें, कुछ जोड़ें या घटाएँ तो कोई चेंज नहीं आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर। तो ये डी पी अपान पी प्लस वन है, तो आप ये क्या हो गया डी पी प्लस पी अपान पी, ये क्या हो गया डी क्यू प्लस क्यू एफ अपान क्यू एफ। अब इसको और आगे देखते हैं, डी पी प्लस पी आपका क्या है, डी पी प्लस पी जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डी डी अपान पी इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू एफ, डी क्यू प्लस क्यू एफ आपका क्या हो गया डी एफ अपान क्यू एफ। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, डी अपान पी हम लोग यहाँ पे पी नहीं लाना, हम लोगों को नीचे क्या लाना था डी पी लाना था, तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से कि ये इसको पहले क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, पी अपान डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपान डी क्यू। अगर ये और ये इक्वल है तो रेसिप्रोकल कर दिया, ये डी पी अपान पी है तो इसको पी अपान डी पी कर दिया, और ये डी क्यू अपान क्यू एफ है तो इसको क्यू एफ अपान डी क्यू कर दिया, और फिर एक अब दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पी प्लस डी पी अपान डी पी इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपान डी क्यू। इसको और आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए पी प्लस डी पी क्या है, पी प्लस डी पी आपका डी है, डी अपान डी पी इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू,
क्यू एफ प्लस डी क्यू, यह आपका डी एफ के बराबर है, डी एफ अपान डी क्यू। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा dp अपान d इक्वल टू dq अपान df। ये हो गया आपका। और आप देखिए dp किसके बराबर खींचा था आपने, ab के, तो dp बराबर क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, dp बराबर ab तथा dq, DQ किसके बराबर खींचा था आपने, AC, तो DQ बराबर AC यहाँ पे रखने पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, DP की जगह आप AB लिख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, AB अपान DE इक्वल टू DQ की जगह AC, AC अपान DF। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यानी हम लोगों को जो सिद्ध करना था कि ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, तो हम लोग उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। हमको आप पता है क्या सिद्ध करना है, कि दो त्रिभुज हैं दोनों के संगत कोण बराबर हैं, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में क्या है, संगत कोण बराबर हैं। तो ए के संगत डी मान लिया हमने कि ए वाला कोण डी के बराबर है, बी वाला ई के, सी वाला एफ के बराबर है। ये हम लोगों ने सिंगल मार्क दे दिया, ये डबल मार्क और ये ट्रिपल मार्क, ये बराबर हो। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल अगर बड़ा है तो ए बी लेंथ के बराबर डी पी खींच लिया और ए सी लेंथ के बराबर डी क्यू खींच दिया और इन दोनों को मिला दिया। अब क्या हो गया, ये साइड डी पी और ये बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम था कसौटी से, तो जब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कोण बी कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण बी कोण ई के बराबर है और यही कोण बी कोण पी के बराबर है, तो कोण पी और कोण ई भी बराबर हो जाएंगे, और कोण क्यू और कोण सी बराबर है और कोण सी कोण एफ बराबर है, तो कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा। अब हम लोगों को पता चल गया ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अब हम लोग देखते हैं ये पी की और ई एफ दो समांतर दो रेखाएँ हैं, इनको एक त्रियक रेखा कट करती है कि ये कोण संगत कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएँ क्या होगी, समांतर होंगी, PQ समांतर EF होगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या है, ट्रायंगल DEF में ये PQ EF के समांतर है, तो ये क्या करेगी, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF। ये हम लोगों ने लिख लिया प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय से। अब क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे आप लिखते हैं कि A बटा B इक्वल टू C बटा D, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो B बटा A इक्वल टू D बटा C भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा। तो DP अपान PE, इसको हमने क्या कर दिया, PE अपान DP इक्वल टू QF अपान DQ, और एक जोड़ दिया। एक जोड़ने के बाद ऊपर हमको PE प्लस DP मिला और उधर QF प्लस DQ मिला, तो ये आपका बन गया DE और ये बन गया DF। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फिर DP लेंथ क्या है, AB के बराबर है और DQ लेंथ AC के बराबर है, तो AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF। अब हम लोग अभी BC अपान EF इसके इक्वल नहीं सिद्ध कर पाए हैं, तो ये सिद्ध करने के लिए हमको यही सारा प्रोसेस जो है क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है या करके आप देखिएगा, लेकिन इसको प्रूविंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डी ई एफ और ए बी सी, अब फिर क्या करना है, वही चीज़ है, संगत कोण ये बराबर है, आपने क्या किया था, इस पे
ए बी, अब क्या करेंगे आप, जो बी सी के बराबर आपने क्या कर दिया, यहाँ बी सी के बराबर लेंथ आपने क्या कर दिया, ये ई पी खींचा, और बी ए के बराबर आपने यहाँ पे क्या खींचा, ई क्यू खींचा, फिर क्या गया, पी और क्यू को मिला दिया। मैं शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग कि हम लोगों ने क्या किया, ई पी किसके बराबर खींचा, बी सी के, ई पी बराबर बी सी, और ई क्यू बराबर ई क्यू बराबर बी ए, ये हम लोगों ने खींचा और उन दोनों को मिला दिया। वही सेम प्रोसेस जो यही किया था दूसरे साइड में करते हैं, क्योंकि अब की बार ये दोनों साइड इक्वल आए हैं, अब की बार क्या आएगा, ये दो साइड इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम इक्वेट कर लेंगे। तो ये अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब देखिए ट्रेंगल बी सी ए और ई पी क्यू सर्वांगसम हो गए, क्योंकि ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है, वही सेम प्रोसेस। तो ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू ई पी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी आपका ये बराबर आ जाएगा कोण कोण ए के, और ये आपका बराबर आ जाएगा ये कोण सी के। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, और ये कोण एफ तो आपका थर्ड है ही, अब देखिए पी क्यू और डी एफ को दो रेखाएं इस प्रकार कट करती हैं कि संगत कोण बराबर हैं, ये डी डी एफ और पी क्यू को कट करने वाली रेखाएं, ये संगत कोण बराबर हैं, तो क्या होगा, पी क्यू समांतर डी एफ होगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगर पी क्यू समांतर डी एफ होगा तो ई पी अपान पी ई इक्वल टू ई क्यू अपान क्यू डी होगा। ई पी अपान पी इक्वल टू ई क्यू अपान क्यू डी, ये होगा। ई पी अपान पी एफ, सॉरी ई क्यू ई पी अपान पी एफ इक्वल टू ई क्यू अपान क्यू डी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही सेम प्रोसेस एकदम करना है आपको, पी एफ अपान ई पी इक्वल टू क्यू डी अपान ई क्यू, फिर दोनों साइड वन जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस ई पी, पी एफ प्लस ई पी, ये आपका बराबर हो जाएगा ई एफ के, ये हो जाएगा ई एफ अपान ई पी इक्वल टू, ये क्यू डी प्लस ई डी हो जाएगा, तो क्यू डी प्लस ई डी, क्यू डी प्लस ई क्यू आपका ई डी के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका ई डी अपान यू की ई क्यू, और ई क्यू किसके बराबर है आपका, देखिए ई क्यू ई क्यू ए बी के बराबर है, और ई पी किसके बराबर है, ई पी बी सी के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप लिख देंगे तो ये आपका आ जाएगा ई एफ अपान ई पी, ये लेंथ आपने किसके बराबर बनाया था, बी सी के, अपान बी सी इक्वल टू ई डी अपान ई क्यू, ई क्यू आपने ए बी के संगत बनाया था ये। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फिर इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए बी अपान ई डी लिखा हो या डी, ये यहाँ तक हम लोग पहुँचिए कि ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, और ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ तक पहुँच चुके हैं। तो ए बी अपान डी अगर बी सी अपान ई एफ के बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, बराबर बी सी अपान ई एफ ये। तो हम लोग जो ये दोबारा जो करने वाला प्रोसेस है इसको करेंगे नहीं, बस मैंने केवल समझाने के लिए आपको दिखा दिया कि आप ये सेम चीज़ करके यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे क्या था, आपने ए बी के बराबर इस पे काटा था, और
एसी के बराबर इस पे, तो उसी प्रकार से ये कर लीजिए कि एबी के बराबर इस पे ले लीजिए और बीसी के बराबर इस पे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करिए तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ये तो लिखेंगे, यहां तक पहुंच गए, फिर हम लोग क्या लिख देंगे एक लाइन इसी प्रकार, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, सारा प्रोसेस आपका क्या है वही सेम रिपीट करना है, थोड़ा सा चेंज करके। इसी प्रकार मतलब जैसे आपने ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ लाया था, इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये आ जाएगा। अतः ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। ये देखिए यही सिद्ध करना था कि ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, यही सिद्ध करना था। यानी हम लोग वहाँ तक पहुँच गए कि संगत भुजाएँ समानुपाती हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यानी त्रिभुज के संगत कोण बराबर थे, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, संगत भुजाएँ समानुपाती है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया सिद्ध कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर कोण ए कोण डी कोण बी कोण ई कोण सी कोण एफ के बराबर है। आपको सिद्ध करना है ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, फिर वही प्रोसेस मैं आपको दो बार बता चुका हूँ। तो फिर ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। ये थ्योरम क्या प्रूव हो गया कि त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनके संगत भुजाएँ समानुपाती होंगी, ये आपका फिक्स है। यानी क्या होगा, अगर संगत कोण बराबर हैं त्रिभुज के तो वो समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। आपको संगत भुजा का अनुपात देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएँ समानुपाती होंगी। तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता में। Thanks for watching.